हमारा नाम उमर है। मैं स्कूल पढ़ता था 9वीं क्लास में इसाखेल में। जब मैं स्कूल हमारा स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं बाहर निकला। उधर एक शख्स था जिसका नाम कार जफर है। उसने मेरे को कहा कि फिदाई करो। मैंने उसको कहा कि आप खुद फिदाई नहीं करते हैं, दूसरे पर फिदाई करता है। बस वो चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा आया। उसने कहा कि यार फिदाई करो, जन्नत को जाओगे। इस दुनिया पर क्या करता है, ये दुनिया फजूल है, ये स्कूल फजूल है, जन्नत को जाओगे। बस वो उसके साथ चला गया। जब उसके साथ चला गया तो मैंने उसके साथ 2 महीने तरबियत भी की, पिस्टल का और ग्रेनेड का ट्रेनिंग की। तरबियत की जगह के पता नहीं लगता है, क्योंकि आप जब तरबियत को जाते तो आँख पर पट्टी बांध करते थे। और मरकज जो है वो मीरअली में। जब हम मीरअली में 5-6 महीना गुजारा, उसके बाद एक शख्स आया जिसका नाम नईम है। उसने कहा कि वो नईम पठान है, जिसका नाम नईम ने कहा कि आज फिदाई करो। हमने कहा कि हम अफगानिस्तान में फिदाई करते हैं। उसने कहा कि सही है, अफगानिस्तान को जाओगे। जब हम चला गया उसके साथ डीजे खान को, उसने आया। हमने उसको कहा कि ये तो डीजे खान है। उसने कहा कि डीजे खान है लेकिन इसमें उससे ज़्यादा कुफार है। बस हम डीजे खान मदीना होटल में आया, उधर 5 दिन गुजारा। 29 तारीख पर हम आया। किसी ने हमको चेक नहीं किया है, क्योंकि हमारे रास्ते में हमारे साथ कोई जैकेट या कोई असला भी नहीं था। जब हम इधर आए 29 तारीख पर हम इधर आए, और 31 तारीख पर मैं भी और इस्माइल भी फिदाई था, जिसने फिदाई उधर किया। मैं भी, इस्माइल भी और नईम भी चले गए सरवर पे। उधर चक्कर भी लगाया। नईम ने कहा कि इस्माइल उधर चक्कर लगाया 31 तारीख को। नईम ने कहा कि इस्माइल इस जगह पर फिदाई करेंगे और आप इस जगह पर फिदाई करेंगे। बस अब चक्कर लगाया तो वापस आया। जब वापस आया 2 दिन और गुजारा। 3 तारीख पर आयाज भी आया, और उसके साथ 2 जैकेट भी थे और 2 ग्रेनेड भी थे। अयास पंजाबी है, पता नहीं लगता कि उसका घर किधर है, लेकिन वो पंजाबी है। बस अब वो मच्छरदारी का कारोबार करता है इधर शहर में, डीजे खान में। बस हम उसके साथ चला गया। जोहर की नमाज के बाद जब रोटी खाया, उसके साथ हम चला गया। और उधर सरवर पे जो लोग ऊँट पर चक्कर लगाते उससे ऊपर पहाड़ पे चढ़ा गया। ऊपर पहाड़ पे हमने जैकेट भी पहनाया, जैकेट अयाज ने पहनाया। अयाज और नईम दोनों हमारे साथ थे। उसके उस वक्त उसके साथ बैग भी था और मच्छरदारी भी थे। चेकिंग नहीं हुई। जब हम पहाड़ से वापस आए तो इस्माइल ने जब फिदाई किया तो अयाज और नईम दोनों ने कहा कि हम बस जाते आधे घंटे बाद अभी फिदाई करें। आधे घंटे बाद मैंने फिदाई किया, लेकिन हमारा फिदाई नाकाम हुआ और पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा। बस मैं इस बात पर बहुत खुश हाल है कि अल्लाह ताला ने वो शलवार का भी सारे पुलिस थे। मैं बस मैं इस बात पर बहुत खुशहाल हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को नया जिंदगी दिया। और अल्लाह ताला ने मेरे ट्रेनिंग की जगह में हम 5 बच्चे थे, लेकिन उसने कहा कि इधर टोटल 3,500-4,000 बच्चे। हम हमारे साथ टोटल पठान थे और पता नहीं लगता कि और भी होते। हमने नहीं देखा है कि अगर मुल्की भी है या नहीं, हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे साथ पठान थे। इधर डेरा गाजी खान में हम 2 बच्चे थे और नईम भी हमारे साथ था। जब इस्माइल ने फिदाई किया तो नईम ने कहा कि बस हम जाते हैं, आप आधे घंटे के बाद फिदाई करो। हमने फिदाई किया। बस मैं इस बात पर बहुत खुशहाल हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को नया जिंदगी दिया। और ये तमाम जो साइसर वाले लोग थे, इसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो मेरे को माफ़ करे। हमने उसको शहीद किया, मासूम बच्चों को शहीद किया, बूढ़ों जवानों औरतों मासूम बच्चों को शहीद किया है। उसे माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ। ये बहुत गलत काम है, ये फिदाई बहुत गलत काम है, ये खुदकशी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में फरमाया कि खुदकशी आराम है।